फ्रेंड्स आज हम बहुत ही टेस्टी फ़िश एग फ्राई बनाने वाले हैं, जिसे खाकर आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि इतनी टेस्टी फ़िश एग फ्राई आप ही ने बनाए हैं। आइए हम इस आसान रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। फ़िश एग बनाने के लिए हमने यहाँ 300 ग्राम फ़िश के एग लिए हैं और इसको हम बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए हमने यहाँ पानी को बॉईल होने के लिए चढ़ा दिया है। इस गर्म पानी में हम यहाँ ये फ़िश के एग डाल देंगे। इससे क्या होगा, फ़िश एग में किसी तरह की स्मेल नहीं रहेगी। हम इसे 2-3 मिनट तक इसी तरह हाई फ्लेम पर स्टर करते हुए पकाएंगे। हम इसमें 2 चम्मच विनेगर भी डाल देंगे। इससे क्या होगा कि गर्म पानी में विनेगर डालते हुए हम इसे पकाएंगे 2-3 मिनट तक, तो किसी तरह की कोई भी इसमें स्मेल नहीं रहेगी। 3 मिनट तक हमने इसको इसी तरह से स्टर करते हुए अच्छे से पका लिया है। हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे निकाल लेंगे। हमने इसे एक बर्तन में निकाल लिया है। नॉर्मल पानी से भी हम इसे वॉश कर लेंगे। पानी में भीगे हुए ही हम इसकी सारी इम्प्योरिटीज़ निकाल लेंगे। इससे क्या होगा, ये बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएंगे। इसी तरह सारे फ़िश एग हम साफ़ कर लेंगे। सारे फ़िश एग को हमने क्लीन कर लिया है और इसको हम फेंक देंगे और हम इसे हम छान लेंगे। फ़िश एग को हमने छान लिया है और इसको इस तरह से ही हम रखेंगे। जितना भी पानी होगा, एक्स्ट्रा पानी इस तरह से निकल जाएगा। अब हम एक कढ़ाई चढ़ा देते हैं। मसाला तैयार करने के लिए हमने कढ़ाई चढ़ा दी है। अब हम इसमें थोड़ा ऑयल डालेंगे। हमने ऑयल गरम होने के लिए रख दिया है। हम इसमें डालेंगे 2 टीस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट। अच्छे से मिक्स करेंगे, मीडियम टू हाई फ्लेम रखेंगे और इस तरह से स्टर करते रहेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून घर के यहाँ हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 2 मिनट तक इसी तरह चलाते हुए ही हम पकाएंगे। मसाले अच्छे से भुन गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे अंडे जो हमने अच्छे से वॉश करके रखे थे, और अब हम मसालों के साथ इन्हें भी अच्छे से कुक कर लेंगे। अच्छे से मिलाते हुए पका लेंगे। अब हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे और गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई रखते हुए हम इसी तरह स्टर करते हुए इसे 15 से 20 मिनट तक पका लेंगे। इससे हमारे फ़िश एग काफ़ी टेस्टी भी बनते हैं। इसे पकाते हुए हमें 10 मिनट हो गए हैं। अब हम फ्लेम को स्लो कर देते हैं और 10 से 15 मिनट और हम इसे स्लो फ्लेम पे पका लेंगे। ये खिले खिले से हो चुके हैं। अभी हम इसे और अच्छे से पकाएंगे। इसे पकाते हुए हमें 10 से 12 मिनट हो चुके हैं और टोटल हमें इसे पकाते हुए 20 से 22 मिनट हो चुके हैं, और काफ़ी ये खिले खिले बनकर तैयार हो चुके हैं। काफ़ी ये टेस्टी बनकर तैयार हुए हैं। अगर आप ये इस तरीके से बनाते हैं फ़िश एग को, तो ये काफ़ी खिले खिले भी बनेंगे और इसमें किसी तरह की कोई स्मेल भी नहीं होती है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसे गार्निश कर लेंगे। ने इसे गार्निश कर लिया है। अगर आपको मेरी फ़िश एग फ्राई की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो रेड कलर का बटन दबा के सब्सक्राइब भी करें। फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं आपको मेरी फ़िश एग फ्राई की रेसिपी कैसी लगी।